शिवहर प्रशासन ने बच्चा चोर संबंधी अफवाह के संदर्भ में आम जनता से अपील। शिवहर प्रशासन के सभी जिला वासियों ने अल्टीमेट देते हुए कहा कि जिस प्रकार बच्चा चोर की अफवाह फैलाई जा रही है उस पर कतई ध्यान न दें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी पर शक होता है तो उन्हें नजदीकी थाना में सूचना करें, उसके साथ मारपीट न करें, नहीं तो मारपीट करने वाले के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। और इस कारण से कई जगह कई लोगों को पकड़कर भीड़ के द्वारा उसके साथ मारपीट की जा रही है, कई जगह उसकी जान भी जा चुकी है। लेकिन तमाम तरह के मामलों के तहकीकात के बाद यही बात सामने आया है कि ये किसी भी तरह का ये बच्चा चोर गिरोह वगैरह सक्रिय नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से अफवाह है। और किस कहीं पर किसी भिखारी को, किसी गूंगे को, किसी अपाहिज को या कहीं का राहगीर है, दूसरे जगह से कहीं जा रहा है, तो उसको पकड़ करके अफवाह फैला दिया जाता है कि बच्चा चोर गिरोह का सदस्य है या बच्चा चुराने आया था, और उसके साथ मारपीट की घटना कर दी जाती है। हालांकि शिवहर ज़िले में अभी ये घटनाएं ज़्यादा नहीं, ऐसी कोई बड़ी घटना आई है सामने, लेकिन बगल के सीतामढ़ी ज़िले में, मोतिहारी में और मुजफ्फरपुर में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, और जिसमें काफ़ी बुरे हालत में भी लोगों को मारपीट करके पहुँचा दिया गया है। तो इस तरह की घटना बहुत ही खतरनाक है। मैं आपके माध्यम से शिवहर के लोगों से और शिवहर की आम जनता से, बौद्धिक लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। कहीं भी किसी भी तरह का बच्चा चोर गिरोह सक्रिय नहीं है, और भीड़ के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति को कहीं भी पकड़ा जाता है तुरंत पुलिस को सूचित करें। लोगों में भी जागरूकता लाएँ कि इस तरह की बात नहीं है। अगर किसी पर शक होता है, कहीं संदेह होता है, कोई व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाया जाता है, तो उसको आप लोग अपने अभिरक्षा में लेकर उसको कोई मारपीट न करें, इसका ध्यान रखते हुए पुलिस को खबर करें और पुलिस को उसको सुपुर्द कर दें। पुलिस जांच करेगी, अगर वह किसी भी तरीके से गलत व्यक्ति पाया जाता है, गलत कार्यों को करने के लिए आया है, चाहे वह बच्चा गिरोह हो या चोरी के कार्यों को करने के लिए आया हो, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बच्चा चोर गिरोह या अन्य चोरी करने के कह करके इस तरह की घटना किया जाना पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। लोग कानून को हाथ में न ले और लोग मॉब बना करके, भीड़ बना करके किसी भी आदमी के साथ हिंसा करना या मारपीट करना कानूनी अपराध है या पूरी तरह से दंडनीय है। अगर इसमें किसी की मौत होती है तो हत्या का आरोप लगते हुए उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारी की जाएगी, पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि लोग जागरूक हों और इस तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, और जहाँ भी इस तरह की अफवाह फैलती है, खास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ये दायित्व है कि वो लोगों को समझाएं कि ये सही बात नहीं है। और फिर भी अगर विश्वास नहीं होता तो पुलिस को सूचित करें, प्रशासन को सूचित करें, पुलिस वहां पहुंचेगी और उस व्यक्ति को अपने कब्जे में लेकर बाकी उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो यही मुझे कहना है कि अगल बगल के ज़िले में या राज्य के अन्य ज़िलों में हो रहे इस तरह की घटनाओं और अफवाहों को इस ज़िले में न फैलने दें, और लोग सतर्क रहें।